अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं अब तब आप सबको अस्सलामु अलैकुम अपने दिल के अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मैं फातिमा फाउंडेशन स्कूल बिस्मिल्ला हाउसिंग स्कीम कैंपस क्लास 9 का तालिबे इल्म हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे नबी, हमने तुझे रहमत देकर नहीं भेजा बल्कि सर से लेकर पांव तक रहमत बना कर भेजा है। आज लोग किसी की जहानत पर नाज करते हैं, किसी के हुस्न पर नाज करते हैं, किसी की सखावत पर नाज करते हैं, तो मैं उस नबी पर नाज क्यों ना पढ़ूँ जिसमें ये सारी खसूसियात पाई जाती थी। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी कि अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी कि उमर फारूक बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी कि उस्मान गनी बन गए। मेरा नबी बहादुर था, मेरा नबी बहादुर था जिसे अली शेर खुदा बन गए, जिसे अली शेर खुदा बन गए। आज मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गम का शिकार है। उम्मत मुसलमा आज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुकी है। आज फ़लस्तीन के मुसलमान, फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, उन पर इसराइल बम बरसा रहा है। हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें मिल बैठने की ज़रूरत है इन तमाम कुफार के खिलाफ। कभी कश्मीर पर हमारे छोटे छोटे बच्चों भाइयों पर जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं, बम बरसाए जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ना हमारे पास हथियार हैं, ना हमारे पास बम है, ना हमारे पास इख्तियारात हैं इसके लिए। हमें जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं जैसे सर्फ एक्सल, पेप्सी की बोतल, कोका कोला, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं, इसका हमें बायकॉट करना चाहिए। ताकि अगर हम उनकी एक भी चीज़ खरीदेंगे, इसका मतलब है कि हम इसराइल को एक बम दे रहे हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर गिराने के लिए। हमारा ये मैसेज आप शेयर करें और इसे इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और हमारे स्कूल का नाम फातिमा फाउंडेशन स्कूल है। मुझे इस अदारे में पढ़ते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। इस अदारे में हमारी तलीम से मतलक बहुत ज़्यादा परवरिश की गई हैं। यह स्कूल हमारी तलीमी तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। हर रोज़ जुमा के जुमा इस स्कूल में हमारे लिए स्पेशली बज़्म अदब करवाई जाती है, ताकि हमारी तलीमी तरक्की के साथ हमारी रूहानी तरक्की भी हो। इसके अलावा इस स्कूल के साज़ा-ए-किराम एक टीचर की तरह नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड और हमारे पेरेंट्स की तरह हमें सिखाते हैं, और मैं अपने अदारे पर बहुत फख्र करता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने अदारे की वजह से, और जो भी मैं मुस्तकबिल में बनूँगा तो मैं अपने इस अदारे का नाम रोशन करूँगा, और मैं अपने उस्तादे किराम, अपने स्कूल पर बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी तलीमी तरक्की के हवाले से, मेरी रूहानी तरक्की के हवाले से बहुत मौसर किरदार अदा किया है। थैंक यू। आपका नाम? मिसेज अमजद। आपकी तालीम? एमए। स्कूल का नाम? फातिमा फाउंडेशन स्कूल। कितना अर्सा हो गया है स्कूल को? जी माशाल्लाह से 17 साल हो गए हमारे इदारे को। इसी जगह पे? जी इसी जगह पे, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। किस तरह शौक हुआ, कोई ख़ानदानी वसीयत थी आपकी? दरअसल मेरे जो ससुर थे उन्हें बहुत शौक था कि हमारा कोई बंदा जो है तलीम की तरफ जो है रुझान था उनका बहुत ज़्यादा, और वो सूबेदार थे, आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्हें शौक़ था कि एक ऐसा इदारा खोले जहाँ भी बच्चों की रूहानी तरबियत की जाए, उन्हें अच्छा माहौल मिले, उन्हें अच्छी जो है तालीम मिले, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमें ये सेटअप स्टार्ट करके दिया। अच्छा, मैंने ये बताया कि कहाँ तक स्कूल है आपका? मैट्रिक तक। बच्चों के वालदैन को शौर है इस इलाके में? जी बच्चों को हमने शौर पैदा किया है, हमारे इदारे ने, हमने शौर पैदा किया, लोगों को बताया है कि तालीम बच्चों के लिए किस कदर ज़रूरी है, और बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? अच्छे उस्ताद के लिए बच्चे के ऊपर शफकत करें, बच्चे के साथ जो है वो ऐसा माहौल रखें कि बच्चा जो है बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकें। पैगाम दें कोई बच्चों के वालदैन को? बच्चों के वालदेन के लिए मेरा यही पैगाम है कि बच्चों के ऊपर जो है सारा साल मेहनत करें, जिस तरह के हम लोग टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जितनी भी मेहनत करेंगे हम 60% रिज़ल्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 100% रिज़ल्ट हासिल करे, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है वालदेन से कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दें।
बच्चों की डायरीज़ को चेक करें, उनके बैग को प्रिपेयर करके मुकम्मल करवा के भेजा करें। ये हमें बहुत से इश्यूज़ आते हैं यहाँ पे, बच्चों के पास बैग्स कंप्लीट नहीं होते, वालदैन तवज्जो नहीं देते। हमारे मोस्टली बच्चे ऐसे हैं स्कूल जाने के बाद ट्यूशन और ट्यूशन के बाद बैग बंद। वालदैन तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। थैंक यू जी।